जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विद्या हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और हम 2013 से काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, सीधा एक सोशल काज के लिए हम यहाँ पर भी हमने आज मीटिंग की। और सिर्फ सोशल काज, हम सोशल वर्क कैसे करें, कैसे हम अपने कौम को फ़ायदा दें, हम यही आज बात करने के लिए आए थे कि आपने हमने सारे मेंबर्स जो वॉलंटियर्स उन्होंने अपने आइडिया शेयर किए कि कैसे हम लोगों के लिए लोगों के भलाई के लिए काम करें। कोई एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, मैं भी यही बात बोल रहा था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें नहीं बंटना है, गाँव शहर में नहीं बंटना, हमें कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है। और हम इंशाल्लाह, मैं इसलिए हम हमारी टीम इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि हम एक स्कूल, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोलना चाहते हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन, क्योंकि हमारा सपना या हमारा स्लोगन है फ्री एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। एक गरीब बच्चा भी डीसी बनना चाहिए कल, हमारा ये सपना है। आईएएस एक गरीब बच्चा भी, जो एक यतीम बच्चा है वो भी आईएएस बने, हमारा ये सपना है। तो इसके लिए हमने जो जितने भी यहाँ पर हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वॉलंटियर मेम्बर्स हैं, हमने ये सब ने ये कसम खाई कि इंशाल्लाह हम काम करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स। और हम जल्दी यहाँ पर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, ज़मीन हमें कहीं पर मिली तो स्कूल भी खोलेंगे। विद द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन हमारे एनजीओ का नाम है, हमारा कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी हमारा जो है कोई कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी हमें स्पॉन्सर नहीं करते, सीधे और क्राउड फंडिंग पे लोग देते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ऐसी पहला एक ऐसा इदारा है जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, फिर भी हम सबसे ज़्यादा मैस मैरिज, जो अभी जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मैस मैरिज हमने किए हुए हैं, मे बी शायद इंडिया में भी हम पहले नंबर पर आ जाए। और आपने देखा होगा टर्की और सीरिया, हमने 5 ट्रक्स रिलीफ भी बेचे, मुझे लगता है पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर रिलीफ गया, वो भी हमने बेचा। आपने ये भी देखा होगा सोरा हॉस्पिटल में हर साल हम शहरी और इफ्तारी देते हैं, वो भी हम ही देते हैं। और कोविड में आपने देखा होगा कि हमने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी, यहाँ पर हमने 5,000 ग्रोसरी किट्स भी बेचे थे, वो भी हमने किया था। और कोई भी इनकम सोर्स नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मतलब बदकिस्मती की बात है। मैंने यहाँ पर सुना कि कुपवाड़ा नंबर 1 पे है अभी ड्रग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपने यूथ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि ड्रग से दूर रहे, इसमें कुछ नहीं, ये बेइज्जती है आपके खानदान की, बेइज्जती है आपके। अगर कोई बहन है घर में, उसको कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा, आपके माँ बाप को एक दूसरी नज़र से देखा जाएगा, आपके साथ सब रिश्ते जो है दूर करेंगे। तो मेहरबानी करके हमें अपने कौम को ड्रग से क्या मिलेगा, हमें हमारे कौम को क्या मिलेगा, आप क्या दे रहे हो कौम को? अच्छा है कि आप किसी सोशल वर्क में जुड़ जाए, अल्लाह के लिए काम करें। एक दिन मरना है, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर कितना इंसान जिंदा रहेगा? फिर तो एक कब्र में एक टाइम निकाल है, वहाँ पर हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या बोलेंगे? जब हम अल्लाह के सामने जब हमें खड़ा किया जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि हम ड्रग्स कर क्या है, हम शराब पी क्या है? तो यही हम कहना चाहते हैं, अपने यूथ्स को यही मैसेज देना चाहते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, ड्रग से दूर रहिए।